हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू जेई माइंडसेट। इस चैनल में अब आप देखेंगे ये जेई मेन का जो है सीरीज चल रहा है, जिसमें पार्ट वाइज करके आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था इसका, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, कंटिन्यूएशन वीडियो है। दिस इज इन दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग द 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेन। तो जे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम द विस्कस फोर्स एंड विस्कस कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड बॉल है, यूनिफॉर्म सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी, उसका डेंसिटी आपको दिया गया है, डेंसिटी इज डी एंड द रेडियस इज आर, इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन साइड द विस्कस लिक्विड, एंड विस्कस लिक्विड डेंसिटी इज गिवन टू डी बाई सिक्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा with the acceleration z by 2 at an instant, particular instant पे आपको z by 2 दिया हुआ है, उस solid uniform ball का जो accelerate हो रहा है z by 2 से liquid के अंदर में हो रहा है, जिस liquid का density हमें दिया गया है d by 6, और जो ball उसमें accelerate हो रहा है z by 2 से उसका ball का density है d, radius r दिया हुआ है। speed of ball at that instant क्या होगा, यानी कि हमें पूछा गया है finally बताओ speed क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार जो है हम लोग पिक्चर देखते हैं, किस तरह का जो है कंसेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द कंसेप्ट। ये मान लो कि आपके पास जो है एक लिक्विड है, इसमें लिक्विड में जो है लिक्विड का हमें डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डी बाई सिक्स, एंड जो कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड का है वो ईटा दिया गया है। अब एक बॉल हमें ज्यूम कर रहे हैं, जिस बॉल का रेडियस जो है ये आर है, this is suppose here we are having the radius r, और इसका डेंसिटी आपको d दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि लिक्विड है, जिस लिक्विड में ये बॉल ट्रेवल कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जब भी लिक्विड में या फ्लूइड में कोई भी सॉलिड सॉलिड को अगर जैसे ही आप लिक्विड में लाओगे सॉलिड ऑब्जेक्ट को, तो उसपे एक बोयंसी फोर्स एक्ट होता है, ये हम जानते हैं। और ये सॉलिड जो बॉल है आपको, ये ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रहा है लिक्विड में, ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रहा है, मींस इस पे हमें फोर्स को लिखना होगा कि फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द फोर्स। तो एक तो फोर्स जो लग रहा होगा इस पे, इस लिक्विड जो सॉलिड स्फीयर है इस पे, अगर हम लोग फोर्स का एबीडी का पिक्चर बनाते हैं, तो एक इस पे लग रहा होगा एमजी, जो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ठीक है। और एक इस पे लगा रहा है बोयंसी फोर्स, जो कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है। ये बोयंसी फोर्स तो कभी भी आएगा जैसे ही हम लिक्विड में ले आएंगे, लेकिन क्योंकि लिक्विड यहाँ विस्कस है, ये बोयंसी फोर्स जो है लिक्विड के नेचर के कारण से आ रहा है, लेकिन विस्कस नेचर के कारण से भी एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स किधर लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। तो यानी कि इस पे एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ ही लग जाएगा दिस विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स हम लोग जानते हैं, कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो तो उसपे विस्कस फोर्स जो होता है दैट इज 6 पाई ईटा r एंड v। वी क्या है, वी स्पीड, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा होगा उस स्पीड के बेसिस पे हम यहाँ पे इस पे विस्कस फोर्स बोलेंगे, और r इसका इस सॉलिड स्फीयर का जो है रेडियस। तो ये विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, बोयंसी ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ओवरऑल ये सिस्टम हमारा नीचे की तरफ जी बाई टू से जा रहा है। तो अगर हम इक्वेशन लिख लें इस पे, नेट फोर्स क्या होगा, एमजी माइनस विस्कस फोर्स प्लस बोयंसी फोर्स, ये दोनों ऊपर की तरफ है तो एमजी से वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस बॉडी पर लगा दे, तो फिर बड़े आराम से जो है आप यहाँ पे जो स्पीड पार्ट है वो हम निकाल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा इस बॉडी का, कहाँ पे मोशन हो रहा है, फ्लूइड में हो रहा है जो कि विस्कस फ्लूइड है। तो इस पे फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स है हमारे पास एमजी जो अर्थ लगा रही है, माइनस बोयंसी फोर्स एंड प्लस विस्कस फोर्स, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिया एमजी से घटा दिया, यही तो नेट फोर्स लग रहा होगा। और इसको किसके बराबर करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी एम इनटू एक्सेलरेशन कितना है जी बाई टू, बस हो गया। अब आपको बोयंसी फोर्स कितना होगा, विस्कस फोर्स कितना होगा और मास इसका कितना होगा उसको लिखना होगा, एवरीथिंग इज देयर, वी कैन फाइंड आउट। लेट्स सी, एमजी को अगर लिखना, मास ऑफ स्फीयर लिखना है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, 4 पाई आर क्यूब
इज द वॉल्यूम, और इसका डेंसिटी जो है वो डी है, जी से मल्टीप्लाई करके माइनस बुएंसी फोर्स जो लग रहा है। तो बुएंसी फोर्स किसके कारण से लगता है? लिक्विड के कारण से लगता है। तो लिक्विड जितना डिस्प्लेस कर रहा होगा वो सॉलिड स्फीयर, उतना बुएंसी फोर्स लगेगा। लिक्विड जितना डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब है डेंसिटी किसका लेंगे, बॉल का लेंगे या लिक्विड का लेंगे? ऑब्वियसली बात है, जब आप बुएंसी लगा रहे हैं तो लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर वो फोर्स जो लगेगा उसको हम बोलते हैं बुएंसी फोर्स। तो लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी यूज करेंगे ना उसके फोर्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा ये हो जाएगा 4/3 π r³। ये तो वॉल्यूम हो गया जितना वो सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम को कंटेन कर रहा है, और इसमें हम लोग लिक्विड के जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी हमें d/6 दिया हुआ है। d/6 जो है ये लिक्विड डेंसिटी है, ये पार्ट हमें दे दिया गया है क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको d/6 रखेंगे। और बुएंसी फोर्स जो है यहाँ पे वो भी माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 6 π ईटा r V, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो मास है ये स्फीयर का है तो इट इज 4/3 π r³ टाइम्स ऑफ डी डेंसिटीज, मल्टीप्लाई कर दिए वॉल्यूम को और फिर जी यहाँ पे आपको तो फाइनली डी बाय टू आएगा लास्ट। यहाँ पे स्पेस कम आ रहा है तो आई एम राइटिंग इन दिस साइड हियर, इट इज 4/3 π r³ d एंड जी बाय टू। इस तरह यहाँ पे जब हम लोग फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, इसके बाद अब करना क्या है, इसमें आप देखिए किसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से टू कट गया तो ये हो गया 4/3, और नहीं तो 4/3 को हम लोग रहने ही देते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका ऑलरेडी यूज होगा, 4/3 वाला पार्ट हमारे पास यूज होना है, तो 2 को हम कट नहीं करके इसको एज इट इज रहने देते हैं। इट इज 4/3 π³ g/2। अब इसमें 6 π ईटा r V को राइट तरफ लेके चले, 6 π ईटा r ये हमारे पास आ गया, और जो रिमेनिंग टर्म है इसको अगर हम लोग एक तरफ कर लेते हैं सब, तो हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी 4/3 π r³ b g, ये टर्म आ गया। तो यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा, इट इज 1 - 1/6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इस तरह से आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से पाए और पाए को हम लोग कट कर देंगे, और एक आर यहाँ से कट हो जाएगा, ये r² हो जाएगा, यहाँ से ये 2 होगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा, तो v जो हमारे पास निकल के आएगा दिस इज 2 π, और यहाँ पे r² d एंड g, एंड इस वाले टर्म में हमारे पास जो एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 - 1 और - 3, तो ये हो जाएगा आपको दिस इज 2/6। तो 2/6 को हम लोग 1/3 रखेंगे, तो इट विल बी 2/27, एंड देन वी हैव r² d एंड g, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास स्पीड निकल के आएगा, दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। तो क्वेश्चन में जो है मेनली कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेटिव था, आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक FBD ड्रॉ करना था और कौन कौन फोर्स लग रहे हैं, जब भी लिक्विड में सॉलिड आएगा तो एक बुएंसी फोर्स होगा, एक एमजी फोर्स होगा, और अगर विस्कस दिया हुआ है तो विस्कस फोर्स भी होगा। विस्कस फोर्स उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है यानी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें विस्कस फोर्स को सोचना है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा था g/2 से, तो विस्कस फोर्स हमने ऊपर लिया। अगर यही ऑब्जेक्ट आपको दे देता कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट अगर दे देता तो उस केस में फिर विस्कस फोर्स को आपको अपोजिट लेना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव हैविंग, ये जो है सॉफ्ट बबल का के क्वेश्चन है। सॉफ्ट बबल में वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सॉफ्ट बबल साइज ऑफ रेडियस 3 cm to 5 cm, क्या होगा? वर्क डन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें जो सरफेस एनर्जी होगा, सरफेस एनर्जी जब हम एक्सपैंड करेंगे तो एक सरफेस एनर्जी हमारे पास फाइनल निकल के आएगा, एंड दूसरा सरफेस एनर्जी इनिशियल। ये जो सरफेस एनर्जी में चेंजेस होगा दिस विल बी द वर्क डन यू कैन यूज हियर। तो वर्क डन इनिशियल कहाँ से ये आ रहा है, तो आपका जो सॉप है, सॉप का जो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसके इंक्रीज होने के कारण से सरफेस एनर्जी में चेंजेस आ जाएंगे।
सरफेस एनर्जी जो चेंज होगा, वही चेंज जो होगा दैट विल बी वर्क। यहाँ पे जो हमें पूछा गया है, वर्क डन क्या होगा अगर हम साइज सरफेस का यानी सब बबल का बढ़ाएंगे, तो उस केस में हमारे पास वर्क क्या हो। अब सरफेस एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट बबल है, तो इस केस में यू कैन यूज 2T, जो कि टी वेयर इज टी क्या है, सरफेस टेंशन है, और into 4 पाई, और जो रेडियस हम बना रहे हैं दूसरा जो बड़ा रेडियस है इट इज R² माइनस स्मॉलर रेडियस है वो मान लेते हैं वो स्मॉल स्क्वायर। तो जो सरफेस एरिया है वो स्फेरिकल नेचर होने के कारण से सरफेस एरिया जो होगा वो 4 पाई R² होगा। तो 4 पाई R² × 2T, दिस विल गिव 2T एंड देन 4 पाई R². अब यहाँ पे 4 पाई दोनों में कॉमन है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव 2 × 4 पाई × T, एंड R का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10^-2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो दूसरा इनिशियल रेडियस था वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10^-2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। टी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, टी का वैल्यू क्या दिया गया है, लेट्स सी द क्वेश्चन। जो टेंशन इन द सॉफ्ट बबल है ये 0.03 न्यूटन पर मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर जो है ये आप समझिए, दिस नॉट जस्ट ओनली टेंशन फोर्स जो आप जानते हैं उसको हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं, बट सरफेस टेंशन की बात जब आएगी तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, दैट इज व्हाई द सरफेस टेंशन यूनिट इज गिवन टू यू न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन हमें दिया गया है 0.03, लेट्स सी इट इज 0.03 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4 पाई, तो इसको हम लोग 8 पाई लिख देते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा, दिस विल बी 8 पाई × सरफेस टेंशन इज 0.03, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इट इज 25 − 9 और 10 पावर -4 में कॉमन ले, तो इस ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हियर इट इज 10 पावर -4 -4। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये इसको कैलकुलेट करोगे 16 होगा, तो 16 × 8 × 3 पॉइंट, अब पाई में क्योंकि ऑप्शन जो है ये पाई नहीं, या व्हाट पाई नहीं रखेंगे तो 16 × 16 यहाँ से आ गया, और 8 ये है आपको, और 0.03, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन नाउ, × 10^-4 इसको पूरा का पूरा हम कैलकुलेट करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें जूल में आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि मिली जूल में हमें दिया गया है और पाई में लगा हुआ है, ठीक है। मिली जूल का मतलब क्या होता है, 10^-3, तो यहाँ से एक 10 को हटा दो, तो इस 10 को हटाने का मतलब हो गया यहाँ पे आपको 16 × 8 × 0.03, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है पाई से मल्टीप्लाई करो और फिर × 10^-3 जूल, ये जो है मिली बन गया, ये जूल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी आवर रिजल्ट। तो अगर हम 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 24, और यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 0.24, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 एंड देन मल्टीप्लाई 10, इसको अगर करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा, 10 हट गया, और ये जो है आपका पाए मिली जूल है। अब आप देखिए 1.6 को आप 0.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाउ मच इट विल बी, हियर यू हैव इट इज, यू कैन मल्टीप्लाई हियर, दिस विल बी फाइनल रिजल्ट व्हाट वी आर हैविंग इज, इट इज नॉट इंटीजर टाइप रिजल्ट, तो ये रिजल्ट तो है आपका इंटीजर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब यहाँ पे 0.2 पाई है और यहाँ 0.4 पाई है, दैट इज ओनली वी कैन सी हियर। तो यहां से आप 16 और 24 को मल्टीप्लाई करो और यह रहेगा, तो एंड देन इट विल बी, एंड दिस इज 8 और 3। अब यहाँ पे जो है आपका 3 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो 0.384 आ रहा है, सो इट इज 0.384 पाई मिली जूल। ये अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, 0.38 को हम लोग 0.4 पाई मान सकते हैं, सो दैट इज व्हाट यू कैन से हियर, इट इज 0.4
मिली जूल. सो दिस इज व्हाट इज इट. तो इस तरह से क्वेश्चन में जो है आपको बस कैलकुलेशन था, दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर, ओनली कैलकुलेशन हियर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था. अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल प्लेट्स विद द थर्मल कंडक्टिविटीज के एंड 3 के आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्लेट ऑफ डबल थिकनेस. तो इसमें ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी का है. जैसा आप जानते हो कि जो थर्मल कंडक्टिविटी चैप्टर है, थर्मल हीट ट्रांसफर चैप्टर है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी और रेडिएशन ये दो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो जेई मेन और एडवांस में पूछा जाता है. बराबर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट ट्रांसफर का. तो इसमें आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे, लेट्स हैव अ लुक. हियर वी आर हैविंग टू आइडेंटिकल प्लेट्स. तो जो प्लेट यहाँ पे लिया गया है ये आइडेंटिकल प्लेट. तो मान लेते हैं कि ये प्लेट हमारे पास इस तरह का एक प्लेट है जिसका कंडक्टिविटी के है, और दूसरा प्लेट हम लोग मान लेते हैं ये आइडेंटिकल प्लेट है. आइडेंटिकल प्लेट का मतलब है इसका एरिया और डिस्टेंस सेम होगा. मान लो ये डी है, ये भी डी होगा, एरिया ए है, इसका भी एरिया ए होगा, बट इसका थर्मल कंडक्टिविटी 3 के है, इसका के. इन दोनों को जब आप कंबाइन करके एक बना दोगे, यानी कि अगर हम इसको एक आइडेंटिकल सिंगल प्लेट बनाते हैं, तो सिंगल प्लेट का थिकनेस तो बढ़ गया, और थिकनेस बढ़ के कितना हो जाएगा, और इसका जो एरिया है आपका प्लेट एरिया जो है वो क्या है, प्लेट एरिया तो सेम है, इट इज नॉट चेंजिंग. तो प्लेट एरिया यहाँ पे चेंज नहीं करेगा. तो यहाँ पे प्लेट एरिया को हमने ए लिया. अब इसका के जो है ये इक्विवेलेंट है जो हमें निकालना है. बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा अगर इस तरह से हम करेंगे, यानी कि ये जो सिस्टम है इसको ऐसे करेंगे. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रेजिस्टेंस पे लेके चले जाएंगे. मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर वन है और इसका रेजिस्टेंस जो है ये आर वन है और इसका रेजिस्टेंस आर टू है. और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये आर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो जब हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे, प्लेट्स को जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये कैसा है, सीरीज में है. यानी कि आर इक्विवेलेंट जब भी हम निकालेंगे तो ये सीरीज में आर वन प्लस आर टू हो जाएगा. दिस व्हाट वी कैन से हियर, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे. अब थर्मल रेजिस्टेंस जब हम लिखते हैं तो इसमें हम लोग लिखते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो आर इक्वल लिखेंगे. हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, तो पहले जो लेंथ दिया गया है वो लेंथ आपका अगर डी है, तो अब जो लेंथ है वो क्या है, अब लेंथ जो है वो टू डी है. यानी आर इक्वलेंट अगर हमें लिखना होगा तो इसके लिए हमें लेंथ टू डी लेना होगा. तो इसका लेंथ हो गया टू डी डिवाइडेड बाय इसका के क्या है, के इक्वलेंट है जो हमें निकालना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए लेंथ क्या रखेंगे, इसके लिए डी रखेंगे, इसके लिए भी डी रखेंगे. तो इसके लिए हो जाएगा लेंथ डी लेंथ बाय के इंटू ए. इसका के क्या है, के वन जो है वो के है. सो के इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी कितना है दूसरे वाले प्लेट के लिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी दूसरे वाले प्लेट के लिए क्या है, यहाँ पे आप इसको 3 के रखोगे और इसका एरिया कितना है, एरिया उतना ही. अब आप दोनों तरफ देखिए कि डी और ए जो है ये कॉमन है, इसको हम लोग हटा सकते हैं. तो दैट मींस कि 2 डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट जो होगा, दिस इज व्हाट वी कैन से 1 बाय के प्लस 1 बाय 3 के. यानी इसका एलसीएम होगा ये हो जाएगा, और यहां से आपको जो है के के प्लस के हो जाएगा. दिस फाइनल रिजल्ट व्हाट वी आर हैविंग इज 2 बाय के इक्विवेलेंट, और यहां से हमें के इक्विवेलेंट आ जाएगा. दिस इज ऊपर से के को कॉमन ले लो तो 4 के, तो ये हो रहा है आपको, दिस इज के इक्विवेलेंट निकालना है तो इट इज 6 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के. यहाँ से हो रहा है तो के का यहाँ से आपको कट जाएगा. तो ये जो है आपको फाइनली ऊपर में जो है 3 और नीचे में 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 के. सो दिस विल बी योर रिजल्ट, यानी 1.5 के का वैल्यू आएगा, एंड दैट वाज वी आर हैविंग द ऑप्शन बी. सो दिस इज व्हाट द 13 क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज 14. इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि सारे कैपेसिटर जो है वो मिली फेराड में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें चाहिए, मिल जाएगा. लेकिन डायग्राम जब भी दे आपको तो एक बार आप जरूर सोचो, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर हमारे पास 6 है, तो 5 कैपेसिटर वाले कोई कॉम्बिनेशन है
ऐसा जिसमें वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, क्योंकि ये डायग्राम देख करके वैसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाइड अगर कर लें, ये हो गया और इस तरीके से आपके पास जो है इधर 6 हो गया, 6, फिर इधर 3 हो गया और इधर जो है 8 हो गया, ये हो रहा है, ये आपको 8 हो जा रहा है, और इधर जो है ये इससे कनेक्ट है, 8 से 4 कनेक्टेड है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, और इन दोनों के बीच में जो है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं 3 6, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो है, यानी कि जहाँ 4 कनेक्टेड है और जहाँ 8 कनेक्टेड है, जहाँ 3 और 6 कनेक्टेड, उनके बीच में 10 है, तो यानी यहाँ पे हम लोग एक 10 ओम का लगा देते, ये 10 ओम। और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक 7 है और यहाँ पे बी। अब आप देख के बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से कि ये 6 है और ये 3, ठीक है, 8 है और 4 है, ये भी तो वही, यानी कि दोनों ही केस में जो कैपेसिटेंस का रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा है, 6:3 का जो रेशियो है ये 2:1 है, और 8:4 का जो रेशियो है ये भी 2:1 है, यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला कैपेसिटर बेकार है, इसको हटा दो, क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, ये इस पोजिशन को हम C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं, इसको C3 और इसको C4 मानते हैं, तो अगर ऐसा हो कि C1/C2 बराबर आ जाए C3/C4 के, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन है बैलेंस्ड। इसमें जो C5 है, जो बीच में रेस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका बेकार कैपेसिटर है, इसको हटा दिया, हटा देते हैं। तब जो है आपको जो होगा डायग्राम वो क्या आएगा, जब हम उसको हटा देंगे तब कैसा डायग्राम आएगा, तो ऐसा आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, और इन दोनों के साथ जो है यहाँ से आपका दूसरा कनेक्शन हमें दिख रहा है कि एक 8 है और एक 4 है, ये भी कैसा है, सीरीज में ही है, और इसके बाद 7 है यहाँ लगा हुआ है। अब आपको दिख गया होगा कि क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, 4 है। अब इस केस में हम क्या करें, कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सीरीज में है, 6 और 4 जो है ये सीरीज में, ठीक है, तो इन दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर बना दे रहे हैं, इन दोनों को भी हटा करके हम एक बना दे रहे हैं। जब 6 और 3 हटेगा, उसको मान लेते हैं कि C1 है, तो इट इज 6 × 3 / 6 + 3 = 9, सो इट विल बी, यानी कि ये 2 और C2 8 × 4 / 8 + 4 = 12, सो इट इज 8/3, 8/3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों आपको दिखेगा जो फाइनल डायग्राम आपके पास आएगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, बहुत बहुत अच्छे। अब यहाँ पे है, इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हमने ए मान लिया, ये आपका जो है 2 हो गया और ये जो है 8/3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ बी है, अब ये आप किसी को भी दिख रहा होगा, ये दोनों जो है पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो यानी कि सी इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना हो ए बी के बीच में, तो 2 और 8/3 को डायरेक्ट जोड़िए, कितना होगा, तो 2 + 8/3 ये हो जाएगा आपको, दिस इज 6 + 8 = 14/3 मिलीमीटर। अब ये 7 से जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब सीरीज वाला केस होता है, तो सीरीज वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज वाले केस में हम लोग C1 C2 / C1 + C2 करेंगे, सीरीज वाले केस में, तो किसके साथ C1 C2 करेंगे, C1 C2, यानी कि जब फाइनली हमने 2 और 8/3 को कंबाइन निकाल लिया है 14/3, अब तो यही वहां पे काम करेगा, तो यानी ए और बी के बीच में जो अब फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 14/3 mF एंड 7 mF सीरीज में आ रहा है, ठीक है, तो यानी इसको डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं 7 × 14/3 / 7 + 14/3, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां से इसको करोगे तो ये 21 होगा, और इसको जोड़ोगे तो 14 को, तो ये 35 हो जाएगा, और ऊपर में जो है आपका 7 14 × 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 14 × 7 ये 98 होगा, लेट्स सी दिस,
यहाँ पे हम लोग नीचे में जो है ये हो जाएगा आपका, ऊपर में हो रहा है 7 × 14 और नीचे में उसका आ रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज व्हाट वी कैन से 7 × 5। तो यहां से हम लोग इसको इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 35 हो रहा है तो 7 × 5 लिख सकते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, फाइनली बच क्या गया है 14/5 mF, दिस विल बी रिजल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो जो डायग्राम दिख रहा था ये दिखने में आसान था, बट पहले वीटस्टोन था, फिर वीटस्टोन को सिंप्लीफाई करने में आपको 2 बार कैपेसिटर, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसा कैपेसिटर वीटस्टोन होता नहीं है, रेजिस्टेंस के केस में आसान होता है निकालना। इसमें क्या है, सीरीज पकड़ा गया 2 बार, फिर उसके बाद पैरेलल पकड़ा है, फिर सीरीज पकड़ा है, तो आपको हर बार रिड्यूस करते जाना होगा। फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग बिटवीन ए एंड बी इज 14/3 को 7 से सीरीज कर दिए, फाइनली 14/5 आ गया। दिस वाज द फाइनल स्टेप जो कि हमें रिजल्ट मिला, यहाँ 14/5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारा 14 क्वेश्चन बन गया। अब 15 पे जाते हैं। 15 में क्या बोल रहा है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर। भैया आइसोलेटेड दे दिया, आइसोलेटेड का मतलब यही है कि चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू आएगा, क्यू बोला जाएगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब डायलेक्ट्रिक इसमें आपने फिल कर दिया, तो डायलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक कुछ फिल कर दिया, वॉट एवर द डायलेक्ट्रिक यू आर फिलिंग नो मैटर। इसमें डायलेक्टिक फिल करने से क्या कर लेंगे हम, डायलेक्टिक फिल करने से हमें पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया है यहाँ पे फोर्स, बताओ बच्चा फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में, फोर्स यानी द फोर्स बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में फोर्स क्या लगेगा, पहले तो ये बताओ फोर्स निकालेंगे कैसे। तो फोर्स किसी एक प्लेट पे लगा रहा होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट को पुल करेगा, ये निगेटिव प्लेट इस प्लेट को पुल करेगा, तो हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए इसमें आपको ये बताना चाहिए कि एक प्लेट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बेसिस पे हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें पॉजिटिव प्लेट के कारण से, तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 ε₀। सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसके कारण से, प्लस प्लेट के कारण से। तो जब हम निगेटिव प्लेट पे फोर्स की बात करेंगे तो कौन फोर्स लगा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला चार्ज क्रिएट कर रहा है वहां पे, जो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कभी निगेटिव चार्ज प्लेट पे फोर्स लगा ही नहीं सकता है। कौन लगाएगा, जो प्लस प्लेट है वो लगाएगा फोर्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे Q/2 ε₀, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब चार्ज दिया है, निगेटिव प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लेट से अवे डायरेक्शन में होगा, प्लस प्लेट से अवे डायरेक्शन किधर है, तो अवे डायरेक्शन सोचो आप, इधर से इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये अवे डायरेक्शन है, ये अवे डायरेक्शन। अब इस अवे डायरेक्शन में निगेटिव प्लेट पे फोर्स किधर लगेगा, निगेटिव चार्ज पकड़ा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, तो यानी निगेटिव प्लेट पे फोर्स इस तरफ लग जाएगा, और वो फोर्स को हम लोग लिखेंगे जो चार्ज है क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है Q/2 ε₀। ये फोर्स जो है निगेटिव प्लेट पे लग रहा है, तो ये किधर के तरफ लग जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट क्रिएट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगाएगा। इसका मतलब है ये हो गया Q²/2 ε₀। ये हमने किया जिस समय आपने डायलेक्ट्रिक को फिल किया, क्या इससे जो है इसमें कोई चेंजेस आएगा यहाँ पे। अब ये तो फोर्स हमने निकाल लिया, अब ये बोला है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करो प्लेट के बीच में, आइसोलेटेड कैपेसिटर। भैया आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, चार्ज में कोई चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आइसोलेटेड बोल दिए कैपेसिटर है यहाँ पे, इसका मतलब है कि चार्ज में जब हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, एरिया कांस्टेंट ही है, ε₀ कांस्टेंट ही है, तो क्या फोर्स बदलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चार्ज कंजर्वेशन होगा। चार्ज कंजर्वेशन अगर होगा तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे जो है किसी पर्टिकुलर प्लेट पर अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एक प्लस चार्ज के कारण से या माइनस चार्ज के कारण से। इसका मतलब यह है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर में अगर आप डायलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो उससे फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट। आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें दिया गया है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी विदाउट डायलेक्टिक। तो जिसमें डायलेक्टिक नहीं है उस समय का कैपेसिटेंस क्या है, सी है। इज फिल्ड विद द डायलेक्टिक स्लैब एज शोन इन फिगर, देन द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायलेक्टिक फिल किया गया है, इसमें पहला में ये आपका डायलेक्टिक 3 है, ये 1 है, 2 वाला ये 3 है और ये 2 है, और इसमें जो प्लेट है इसमें आधा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये है d/2 और ये है आपका, ये जो है d/2 है, और प्लेट एरिया अगर हम मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर C3 है इसके लिए अगर हम लोग इस तरह से यूज करेंगे कि यहाँ एक कैपेसिटर बना देते हैं C3 और इसको कनेक्ट कर रहे हैं दो ऐसे जो सी और सी ये इन दोनों इससे जो है वो पैरेलल ही कनेक्ट, ठीक। तो ऐसा कैपेसिटर बना लेते हैं, इस तरह का एक कैपेसिटर है और ये पैरेलल ही कनेक्टेड है इस वाले कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C1 है, और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट B है और यहाँ पे A है। हमें ए और बी के बीच में चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या न्यू कैपेसिटेंस जो होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें जो डायलेक्टिक फिल किया गया है बच्चा, ये आपको 6 है, इसमें जो डायलेक्टिक फिल किया गया है ये 2 है, और इसमें जो डायलेक्टिक कांस्टेंट फिल किया गया है ये 4 है, ठीक है। अब क्या हम डायलेक्टिक कांस्टेंट के बेसिस पे और जो डायग्राम दिया गया है एरिया और डिस्टेंस दिया गया है उसके बेसिस पे C1 C2 और C3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी C1 अगर लिखना होगा तो इसके लिए K1 चाहिए एंड इफ्शेल एंड नॉट चाहिए, और C1 को अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट आपका C1 है, इसका एरिया क्या होगा a/2 होगा और डिस्टेंस क्या होगा d/2 होगा। इस C2 के लिए एरिया क्या होगा a/2 होगा, डिस्टेंस क्या होगा d/2 होगा, और C3 के लिए एरिया क्या होगा होगा, क्योंकि C3 पूरे पार्ट में फिल किया गया है। C3 जो है जितना पार्ट में फिल किया गया है उतने ही पार्ट में C2 और C1 को फिल किया गया, यानी कि जो एरिया C3 का हो रहा है, C3 को जितने एरिया में फिल किया गया है उतने एरिया में आपको C1 और C2 को फिल कर दिया। तो इसका मतलब है C1 और C2 को आधे आधे एरिया में फिल किया और C3 को पूरे एरिया में फिल किया, और डिस्टेंस सबके लिए क्या है d/2 हम मान रहे हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो कैपेसिटेंस का होगा दो प्लेट के बीच में इक्विवेलेंट के बीच में वो तो d है, तभी तो विदाउट डायलेक्टिक बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट a/d बोलेंगे, अभी क्या है सब में d/2 लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके डिस्टेंस जो है ये d/2 है, तो C1 जब हम लिख रहे होंगे तो इसके लिए एरिया a/2 d/2 लेंगे, तो इप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया a/2 और डिस्टेंस d/2। K1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है तो यहाँ से 2 रखो, और इसमें जो है आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे इप्सिलॉन ये इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी जो है ये टर्म आपका विदाउट डायलेक्टिक है, जिसको हम लोग सी बोलेंगे जो क्वेश्चन में दे दिया है 2C, यानी C1 का वैल्यू हो गया 2C। इसी तरह से C2 का वैल्यू निकालेंगे तो K2 इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी बाई टू, टू टू कैंसिल, K2 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4, तो इट इज 4 टाइम्स ऑफ सी। और C3 का वैल्यू अगर इस तरह से हम लोग निकालते हैं C3 को लिखा जाएगा, C3 को अगर हमें लिखना है तो C3 को लिखा जाएगा इट इज K3 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू। K3 का वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है, 6 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 12 टाइम्स ऑफ ए बाय इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होगी, तो 12 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, 12 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, 12 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को हम लोग बोल देंगे सी। तो यहाँ पे ये 12 टाइम्स ऑफ सी हो गया, यानी ये 2C हो गया, ये 4C हो गया और ये 12C हो गया, यहाँ रखो। तो जो मेन डायग्राम हमें निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, और बहुत आसान अब दिखेगा आपको, ये हो गया 12C और इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे ये हो गया 2C, और इसको पैरेलल में करेंगे किससे, ये हो जाएगा आपके पास 4C, 4C इनको पैरेलल करेंगे, और जो हमारे पास रिक्विजिट है जो पॉइंट निकालना है पॉइंट ये है, और ये वाला पॉइंट जो है आपका ये बी पॉइंट, ये पॉइंट जो है बी है, और यहाँ से हमारे पास जो है ये जो कैपेसिटर लगाया गया है ये 4 माइक्रोफेराइड का है, सॉरी 4C है इसका वैल्यू, 4C ये जो अभी हमें निकला था दिस इज 4C, और यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट ए है, ये बी के बीच में निकला है ऐसे ही क्यों। अब आपको दिख रहा फोर्सी और 2C जो है ये पैरेलल में है, तो हम 4C और 2C को पैरेलल में रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा
जो सी इक्वेलेंट बिटवीन ए एंड बी होगा, इन दोनों को पैरेलली जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 6C, 6C और 12C सीरीज में हो गया, यहाँ से ही आ जाएगा, सी और सी कट जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सी और सी कट जाएगा, ये जो है आपको 3 और ये जो है 4, तो फाइनल रिजल्ट इज 4C, दिस इज योर रिजल्ट। लेट्स सी द ऑप्शन 4C, ऑप्शन 2 वी आर हैविंग। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कुछ था नहीं, आपको बस कैपेसिटेंस लिखने के लिए आना चाहिए, डायलेक्ट्रिक को जब हम लोग फील करते हैं और डिस्टेंस और एरिया को डिवाइड कैसे किया जा रहा है इसको समझना निहायत जरूरी है जब भी हम लोग डायलेक्ट्रिक को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस और एरिया को समझ गए तो फिर आप कैपेसिटेंस खुद से लिख लोगे और फिर उसमें सीरीज पैरेलल समझना है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द न्यू क्वेश्चन। थिन एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट एन एक्सिस पासिंग, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि आपको सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क हम मान लेते हैं और इसका एक्सिस ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और इस डिस्क का जो है रेडियस आर दिया हुआ है और इसका मास जो है ये हमें एम दिया गया है, इतना तक तो दे दिया है। इट्स सेंटर इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इफ द अनदर डिस्क ऑफ द सेम डायमेंशन बट मास m/4, डायमेंशन आपने क्या किया, एक ऐसा ही डिस्क ले लिया जिसका डायमेंशन सेम ले लिया, यहाँ पे रख दिया, ये एक डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब रेडियस से है, यहाँ पे डिस्क है, और जो दूसरा डिस्क है इसका मास आपने m/4 ले लिया। इज प्लेस जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, कोएक्सियली यानी कि एक डिस्क पहले से है जो रोटेट कर रहा है, अब उसी पे एक दूसरा डिस्क को लगा दिया उसी एक्सिस के अराउंड, लेकिन उस डिस्क का मास यानी जो बाद वाला डिस्क है इसका मास m/4 है, पहले डिस्क का जो मास है वो m। न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये बोल रहा है कि पहले से एक सिस्टम रोटेटिंग है, अब उस सिस्टम रोटेटिंग में कुछ मास को ऐड किया जाएगा, तो मास को जब जब भी ऐड किया जाएगा तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक कंसेप्ट है, टॉर्क एक्सटर्नल नहीं लगेगा, और टॉर्क एक्सटर्नल अगर नहीं लगेगा तो हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को, कि लिनियर एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल है हमारे पास है वो एंगुलर मोमेंटम फाइनल होना चाहिए। इनिशियल क्या होगा, इनिशियल आपका इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहां से ये हो जाएगा m/r² / 2, m/r² / 2, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल जो होगा ये हो जाएगा i1 ओमेगा, इनिशियल है वो आपको ओमेगा दिया गया है तो i1 into ओमेगा, और इनिशियल जो फाइनल होगा, फाइनल का मतलब है कि जब आप दूसरे वाले डिस्क को उस पर क्वेश्चन रख देते हो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल जाएगा, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा तो क्या ओमेगा बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि पहले वाले हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करना है यहाँ पे, अगर टॉर्क एक्सटर्नल नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और ये जितना भी केस होगा जब भी कोई रोटेटरी बॉडी है सिस्टम है उसमें मास को रखा जाएगा, आपको बोला जाएगा पहले रखे, सब बाद में बोलेगा मास को रख दिया, तो कोई और ऑप्शन नहीं है, सीधा टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा, लिनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। i1 ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जो i2 होगा और जो ओमेगा फाइनल होगा, ये हमें ओमेगा फाइनल मिल जाएगा, तो ओमेगा फाइनल निकालने के लिए हमें i1 चाहिए और i2 चाहिए, ओमेगा तो दे दिया है, तो i1 क्या होगा, इट इज m/r² / 2, ये आपका i1 है जो पहले डिस्क क्या होगा जो एक्सिस पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर प्लेन से और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/r² / 2 होगा, तो यहाँ पे ये यह हो गया m/r² / 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये किसके बराबर होगा, i2 के, i2 में किसको बदलाव आ रहा है, ये वाला जो मास है इसके कारण से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड होगा, पहले वाला जो था उसमें कोई चेंज होगा, पहले वाला जो था वो तो है ही, इस मास को जब आप ऐड करोगे यानी इस मास का मतलब है नया डिस्क को ऐड कर रहे हैं लेकिन उसका मास बदल दिए, रेडियस तो वही रख रहे हैं मास को बदल दिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइनल होगा दैट विल बी m/r² / 2, ये पहले वाले का मास m/r² / 2, और बाद में जब आप m/4 को ऐड कर रहे हो
तो एम बाय प्लस हो जाएगा एम बाय फोर, ये हो गया मास, और इसका रेडियस तो वही है तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय टू, यानी एम आर स्क्वायर बाय टू बाद वाले के लिए, और इसको हम लोग ओमेगा फाइनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखिए जो हमारे पास यहाँ पे है एम आर स्क्वायर बाय एट है, एम आर स्क्वायर बाय टू है, तो एम आर स्क्वायर वो बाहर कर लेते हैं एंड इट इज 1/2 + 1/8, तो यहां से ये आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे जो है ओमेगा फाइनल। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन, तो एम आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच रहा है ओमेगा बाय टू, और इधर जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 LCM होगा, तो इट इज 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1, सो दिस इज व्हाट ओमेगा फाइनल। यहाँ से इसको कट करो ये 4 होगा तो ओमेगा फाइनल हमें मिल जाएगा 4/5, फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर इज इट इज 4/5 times of ओमेगा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसमें हमें ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4/5 times of ओमेगा ऑप्शन सी वी आर हैविंग, दिस इज 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18, लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है यूट्यूब ऑफ द बेस लेंथ एल, यूट्यूब है यहाँ पे हमारे पास जिसका बेस लेंथ कितना दिया गया है एल है, और इस वाले केस में आपको यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है यूट्यूब ऑफ द बेस लेंथ एल, बेस लेंथ हमें एल दिया गया है और फिल्ड विद द सेम वॉल्यूम ऑफ द टू लिक्विड ऑफ डेंसिटीज रो एंड टू रो, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है लिक्विड का, एक का रो है एक का टू रो है, मान लेते हैं रो ये है और टू रो ये है, इज मूविंग विद एक्सलेशन ए ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस ओपन टू द एटमोसफेयर बिकम जीरो, यानी इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देन द हाइट एच इज गिवन बाय, और ये हाइट यहाँ से एच हाइट पे है, ये सिस्टम एक्सलेटिंग है बट लिक्विड जो यहाँ पे लिया गया है ये आपको अलग अलग डेंसिटी का है, टू रो है और ये रो है। तो ये क्वेश्चन जो है जिन बच्चों को एक्सलेशन सिस्टम वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, जब भी कोई फ्लूइड कंसेप्ट आपको यूज कर रहे होते हैं जिसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है फिर एच हाइट नीचे पे उसमें ऐड करते हैं हम लोग रो जी एच, और जब वो एक्सलरेट होगा तो उस केस में प्रेशर को कैसे लिखा जाता है, अगर वो क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से बनाओगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ यू कैन डू इट, लेट्स सी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस तरह से हम लोग पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, हमारे पास इस तरह का डायग्राम है, अब इसमें लिक्विड का जो लेयर है ये आपका एच हाइट पे है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है, और जो यहाँ का सिस्टम का लेंथ है नीचे बेस लेंथ एल है ये दिया गया है, और यहाँ से मीट से दो अलग अलग लिक्विड फिल किया गया है, मान लो इसमें जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड कुछ है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है रो है, और दूसरे तरफ जो डेंसिटी फिल किया गया है इसका डेंसिटी जो आपको दिया गया है, इसमें जो डेंसिटी है ये हमारे पास ये टू रो है इधर का जो डेंसिटी, ठीक है, तो इन दोनों डेंसिटी को हमें यूज करना होगा कंसेप्ट को, यहाँ पे टू रो है और ये जो है रो है, अब ये एक्सलेटिंग भी, अब आप देखेंगे कि यहाँ का प्रेशर अगर हमें लिखना हो इस पॉइंट का प्रेशर तो कैसे लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर लिखना होगा तो इसको पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो प्रेशर एट ए जो लिखा है यहाँ का प्रेशर होगा और इस साइड हम लोग नीचे हम लोग लिख सकते हैं उसको, तो दैट मीन्स प्रेशर एट ए जो हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर है प्लस रो जी एच, फिर प्रेशर एट बी लिखना होगा तो प्रेशर एट बी जो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट बी जो होगा दैट विल बी
जो ये पे प्रेशर है, जब हम एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा एक्सेलरेशन के कारण से। कितना से बढ़ जाएगा? तो जितना डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो लेंथ में वो आप मूव करोगे और जो एक्सेलरेशन वहां पे हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उतना से प्रेशर बढ़ेगा। ये आप पढ़ चुके होंगे, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है उस केस में हम प्रेशर को कैसे लिखेंगे। तो प्रेशर एट बी, आई एम राइटिंग हियर, जो प्रेशर एट ए हो रहा है प्लस रो टाइम्स ऑफ एल बाई टू, क्योंकि ए से बी जब आएंगे तो ओनली एल बाई टू डिस्टेंस को कवर करेगा, तो रो टाइम्स एल बाई टू। तो एक्सेलरेशन से सिस्टम आपका मूव कर रहा है, जब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा इतना से। तो जो एटमोसफेयर, जो ए पे प्रेशर था, जब हम बी पे गए तो ए में इतना प्रेशर ऐड होगा तभी बी पे जाएंगे। ये हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बोल रहे हैं। यहाँ एक्सेलरेशन अगर नहीं होता तो फिर आप जानते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा तो जिस जगह पे हमें एक जगह से दूसरे जगह में जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सबसे प्रेशर कहाँ पे होगा, तो अगर हम इसको देखें तो सबसे कम प्रेशर हमारा ए पर है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, सी पे हो जाएगा, क्योंकि सी एंड पॉइंट। अब इसी तरह से हम चाहेंगे प्रेशर कहाँ का लिखने के लिए, सी का लिखने के लिए। तो प्रेशर जो बी पे है इसमें कितना फैक्टर जुड़ जाएगा, इसमें यहां से ये लिक्विड भी बदल रहा है जिसका डेंसिटी टू रो लेना होगा, सॉरी प्रेशर एट बी जो हो रहा है इसमें हमें ऐड करना होगा। कितना ऐड करेंगे? तो जो लिक्विड का डेंसिटी है, जो लिक्विड का डेंसिटी है वो तो टू रो है, तो उसी को यूज करोगे। अब रो यूज नहीं कर सकते तो टू रो, यहीं पे कंफ्यूजन था। और कितना लेंथ है? एल बाई टू, और एक्सलेशन ए, तो ये हम लिख लेंगे इसको। प्रेशर एट बी क्या है? ये पूरा प्रेशर है। और प्रेशर एट ए क्या है? एटमॉस्फेयर। तो पीए के जगह पे हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच पीए के जगह पे लिखेंगे, और बी का जो है आप उसको लिख देंगे। तो हम लोग फाइनली जो सी पे प्रेशर हो रहा है उसको अगर लिखना चाहें तो ये प्रेशर एट बी हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो एल ए बाय टू प्लस, यहाँ पे ये टू और ये टू कट जा रहा है तो इट इज रो एल ए। अब एटमोसफेयर ए प्रेशर को हम लोग लिखेंगे पी एटमोसफेयर प्लस रो जी एच, तो दिस इज एटीएम प्लस रो जी एच प्लस, यहाँ से रो एल ए बाय टू है तो ये हो जाएगा थ्री रो एल बाय टू। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो रो एल ए और रो एल ए बाय टू है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री रो एल बाय टू, तो दिस थ्री बाय टू रो एल ए, इतना हो जाएगा। अब एक बच्चे के दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा, सर आप इधर से क्यों नहीं लिख रहे हैं प्रेशर किसका, सी का। तो सी का अगर हम प्रेशर लिखना चाहें दूसरे साइड से तो एटमॉस्फेरिक साइड से भी हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? तो जो पी एटमॉस्फेयर होगा उसमें आप ऐड कर दीजिए लिक्विड के कारण से जो प्रेशर होगा वहां पे उसको ऐड कर दो। तो पी एट प्रेशर एट सी जो होगा, अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होगा इसमें और ये लिक्विड के कारण से जो यहाँ प्रेशर लगेगा वो हम ऐड कर दें तो फिर सी पे हम लिख सकते हैं इसको। तो यानी पी एटमोसफेयर प्लस रो जी एच, यहाँ पे रो कितना ले? टू रो लेना होगा क्योंकि लिक्विड टू रो है, जी और एच है। अब पी एटमोसफेयर कट जाएगा, यहाँ से आपको रो जी एच और यहाँ से आपको टू रो जी एच, इस रो जी एच को इधर ले आइए तो टू रो जी एच में से रो जी एच घट जाएगा तो बन जाएगा रो जी एच, और ये हो रहा है आपको थ्री डिवाइडेड बाई टू रो एल ए। अब यहां से आपको दिख गया होगा कि इसमें हमें चाहिए क्या, एच चाहिए, तो रो को कैंसिल कर लेते हैं और एच बच जाएगा, एच निकलना है तो लगा एच निकालना है तो एच हो जाएगा थ्री बाय टू जी और एल इंटू ए, यानी ये वैल्यू हमें मिल रहा है थ्री एल बाय टू जी इंटू ए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? थ्री एल बाय टू इंटू ए, ऑप्शन बी में है ऐसा कि थ्री एल बाय टू जी इंटू ए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, एक्सलेटिंग कंसेप्ट और प्रेशर लिखना अगर आपको आ रहा होगा तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इजिली। दिस वाज बट गुड क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है, टू मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच अदर at some separation and are dipped in a oil tank। तो मान लो कि एक ये है हमारे पास एक मेटल प्लेट है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे माइनस क्यू चार्ज है, जो ये कैपेसिटर का काम कर रहा है। अब इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस ईच अदर कर रहा है, पैरेलल प्लेट है,
अब इस सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डीप कर दे रहे हैं, कहाँ पे, ऑयल में, यानी ऑयल ऑलरेडी कहीं पे है और इस सिस्टम को लेके चले गया वहां। तो इस पे जो चार्ज रहा है अभी, क्या उसके चार्ज में कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मेटल पे चार्जेस है आपको, आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसका चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप जब इसको लेके चले गए मेटल ऑयल में, यानी आप मीडियम में लेके चले गए, तो मीडियम में लेके चले गए, इसमें पूछ रहा है इफ द ऑयल इज पम्प्ड आउट। अब इसमें मीडियम आपने फिल कर दिया, ठीक है, तो जब आप मीडियम, आप इसको ऑयल में लेके चले गए, यहाँ पे इसके बीच में जो है मीडियम आ गया होगा, और ये ऑयल है जो आ गया, और ऑयल के आने के कारण से इसमें जो है ऑयल के आने के कारण से इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम में, हम ये चीज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली आप जानते हैं कि इट इज दो इन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इट इज टू चले नॉट किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव प्लेट का और पॉजिटिव प्लेट का सेकंड हो जाएगा, तो नेगेटिव फील्ड जो है आपको हो जाएगा बिटवीन द रीजन, जिस समय डायलेक्ट्रिक नहीं था उस केस की बात कर रहे हैं। तो ये तो ई प्लस के कारण से हो रहा है, सिमिलरली ई माइनस के कारण से भी, निगेटिव कारण से भी जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा टू चले नॉट होगा, और प्लस के से अवे डायरेक्शन होगा, माइनस के कारण से टुवर्ड्स माइनस प्लेट होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक सेक्शन होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इट विल बी ओवर द ऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, दिस विल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कब का सीन है, जिस समय डायलेक्ट्रिक नहीं है उस समय का सीन है। अब क्या किया आपने, डायलेक्ट्रिक को लेकर फिल कर दिया इसमें, तो जैसे ही डायलेक्ट्रिक फिल करोगे, इस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किए है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट अब होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका जो ई था पहले डिवाइडेड बाई के टाइम से, ये डिक्रीज कर जाएगा, तो व्हाट वी हैव इज क्यू बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के, ये हो जाएगा हुआ ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के, ये हो जाएगा। अब इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ऑयल के कारण से, दैट व्हाट आई हैव रिटन हियर, ऑयल ऑयल के कारण से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर के कारण से होगा, यानी कि जिस समय आपके पास जो है कुछ नहीं है एयर, तो यहाँ पे जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक को रिमूव कर देते हो, पंप आउट कर लेते हो, तो डायलेक्ट्रिक को रिमूव करने से फिर अब उसमें क्या हो गया, एयर हो गया, एयर हो गया। तो एयर के रहने कारण से और डायलेक्ट्रिक के रहने कारण से प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने रिमूव किया एयर को, ये व्हाट ऑयल को, एयर ऑयल को जैसे रिमूव करोगे तो उसके बीच में एयर आ गया, तो मीडियम तो हट गया, मीडियम के हटने कारण से इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी व्हाट, इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस सेम बिकम जीरो। तो जब मीडियम को पंप आउट कर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑयल मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, इसके कारण से ये जो मटेरियल है, जो डायलेक्ट्रिक है वो रिमूव हो गया, तो डायलेक्ट्रिक के लाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, डायलेक्ट्रिक के रिमूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक ऑयल को रिमूव करोगे, पंप आउट करोगे, तो डायलेक्ट्रिक आपका हट गया, डायलेक्ट्रिक के हटने से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि डायलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इस केस में जो है आपका पंप आउट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि डायलेक्ट्रिक रिमूव हो रहा है, डायलेक्ट्रिक के कारण से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फैक्टर आता है, आपको वो चीज आप पढ़े होंगे पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक में, तो उसमें डायलेक्ट्रिक के रहने कारण से, एक डायलेक्ट्रिक के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल घटेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, लेकिन डायलेक्ट्रिक को जब आप पंप आउट कर लोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट था वो घट जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिड्यूस कर रहा था उसको हटा दे रहा था, उसको जैसे ही हम हटाएंगे, ऑयल को हटाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। एंड कमिंग टू द लास्ट नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो इस सेट का बचा हुआ है, आई ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट टू। और इसी में हमने आपको बोला था कि जेई लेवल का, जेई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, और जेई मेन लेवल का तो हम करा ही रहे हैं आपको, जो मेन टारगेट बच्चे जनवरी को कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका बोर्ड एग्जाम है वो, उनका टारगेट जो है ज्यादातर अप्रैल रहेगा,
जनवरी को बहुत कम बच्चे जो एडवांस 100% निकालना चाह रहे होंगे उनका मेन टारगेट जनवरी रहना चाहिए, और जो बच्चे जेई मेन सोच रहे हैं किसी तरह से निकल जाए कोई कॉलेज मिल जाए उस तरह से कर रहे होंगे तो उनका मेन टारगेट ऑब्वियस बात है अगर वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनका अप्रैल टारगेट मेन टारगेट होता है। लेकिन जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए जनवरी अगर वो निकाल लें, जनवरी को वो बेटर कर ले, जनवरी में बेस्ट परफॉर्मेंस कर ले, एनआईटी सिक्योर कर ले, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जेई एडवांस निकालना एक आसान गेम हो जाएगा। और जेई मेन जनवरी को क्रैक करने के लिए आपके पास जो टाइम बचे हैं वो गिने हुए हैं, नवंबर एंड दिसंबर यू हैव, सो एवरी डे क्रैक फायर के तरह से आपको बर्निंग फायर की तरह से वर्कआउट करना होगा अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और इसमें कुछ नहीं, बस एवरी डे यू हैव टू हैव प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 30 और 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन यू शुड डू एवरी डे जेई मेन लेवल का। जो चैप्टर आपने कर लिया है उसके 10 क्वेश्चन डेली करो, प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसको भी आप देखिए, इससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूड जुड़े हुए रहोगे तो आई विल बी अपलोडिंग एवरी डे। इफ यू लाइक शेयर, इसको जो है आप लाइक और शेयर भी करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है या आपको लग रहा है जो इस वीडियो से आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो इनहेंस देयर स्किल। जिनको जरूरत है उनको शेयर करो, हेल्प करो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।